गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है संडे और हम सोच रहे हैं कि ईस्टर थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में सेलिब्रेट किया जाए, तो हम एक पार्क में जाएंगे आज, जहां पे हमारे एक और फैमिली कलीग है साथ के, वो आएंगे, जिनके साथ हम एक पिकनिक बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो अभी दिखाते हैं अंकिता क्या बना रही है पार्क के प्रिपरेशन के लिए। ये बन रहा है हमारा पास्ता, ताकि हम पिकनिक के लिए लेके जा पाएं। कल हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो इसीलिए क्विकली सुबह सुबह जो मैं बना पाई, जो कि थोड़ा सा फिलिंग भी हो, तो मैंने सोचा कि व्हाट्स बेटर देन पास्ता, तो बस वही बना रही हूँ। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट भी है, मैकरोनी रिगाटोनी या फुसिली पास्ता, अंकिता के हाथ का बना हुआ। वगैरह पूरा पैक कर लिया है, कुछ सामान वो लोग भी लेके आ रहे हैं, तो बस ऐसे साथ में बैठेंगे, एंजॉय करेंगे और थोड़ा वेदर का मज़ा लेंगे। आज वैसे थोड़ा ठंडी हवा है, तो इसीलिए हमने अच्छे से जैकेट शैकेट्स पहन लिए हैं। लेट्स सी कि कैसा रहता है वेदर, और मिलते हैं आपसे। सो हमारे फ्रेंड्स आ चुके हैं, अभी हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हमने आप लोग को बीहू व्लॉग में इनसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, तो मैं अभी इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। ऋषि भैया, ये हैं अश्विनी भाभी, और ये हैं निकिता, ऋषि बेटी आद्रा। कितनी खुशी हुई है। तो हम लोग आपसे पार्क पहुंच के मिलते हैं, होपफुली हमारा दिन अच्छा जाए, तो एक और बार अच्छे से आना है, तो ठीक है, अभी हम मिलते हैं आप लोगों से पार्क पहुंच के, फिर देखते हैं हमारा दिन कैसा जाए। और ये पार्क के पास से BMW वेल्थ है, विच इज़ BMW वर्ल्ड। हमने सोचा कि एक बार जो यहाँ पे गाड़ियाँ हैं और बाइक्स है, उसको एक बार देख लेते हैं। मैं पहले 2018 में जब पहली बार म्यूनिख विज़िट किया था, मैंने ये देख लिया था, बट अंकिता ने नहीं देखा हुआ है, तो आई थॉट कि उसको एक बार, उसको भी गाड़ियों का बहुत शौक़ है, तो उसको भी एक बार इन गाड़ियों का फील दिला देते हैं यहाँ पर। इस ओलंपिया पार्क के बारे में, ये 1972 में समर ओलंपिक गेम्स के लिए बनाया गया था, और उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स अभी कल्चरल, सोशल और स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए यूज़ होते हैं। इसमें एक बड़ा सा आर्टिफिशियल लेक है और स्विमिंग पूल है, और इसमें एक आइस स्केटिंग रिंग भी है जो आम पब्लिक के लिए ओपन है।
आर्या को कलरिंग और ड्राइंग का बहुत शौक है, तो उसके लिए हम छोटा सा एक गिफ्ट लेके आए थे। वो बहुत खुश हुई उस गिफ्ट को लेके, और उसने बहुत सारा टाइम उसको स्पेंड किया। ऑलमोस्ट सारे पेजेस उसने कलरिंग करना स्टार्ट कर ही दिया था। तो यस, ही वॉज वेरी हैप्पी एंड इट मेड अस हैप्पी। यूरोप में ऐसा है, कहीं भी ब्रिज दिख जाए लोगों को ताला लगा देना है, बस अपनी मन्नतें पूरी करनी है। बस ये इनसे चढ़ाई नहीं हो पा रही, बूट्स पहन के चढ़ाई कर रहे। अभी तो आधा ही हुआ है, अभी हमें वहां तक जाना है, म्यूनिक का व्यू जो लेना है। ऋषि अपना ड्रोन भी लेके आया था, ये अच्छा मौका था उसको एक्सप्लोर करने का, तो उससे हमने बहुत सारे अच्छे शॉट्स भी लिए हैं। बहुत अच्छा दिन रहा, अभी हम वापस जा रहे हैं ओलंपिया पार्क से। हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे, भाभी के बनाए हुए खाने, अंकिता ने पास्ता बनाया था। भाभी ज्यादा थी यहाँ पे, बट फिर भी हमने काफी एंजॉय किया। भाभी आपके बने हुए पकौड़े, ढोकले और समोसे बहुत अच्छे थे, और पालक वाली पूड़ी बहुत अच्छे बनाए थे। ऋषि भैया ने बोला है कि वो हमें बिरयानी खिलाने वाले हैं। सब प्रिपरेशन रेडी है, घर पे रेडी करके आए, अभी हमें बस यहाँ से जाना है उनके घर, और वहाँ जाके वो बिरयानी बनाएंगे और हम मस्त बिरयानी टेस्ट करेंगे। फिर हम मिलते हैं उनके घर पे आपसे। हम चल दिए पार्क से, रास्ते में हमें ऋषिकेश ने बताया कि उनके घर के पास ही बहुत एक फेमस आइसक्रीम पार्लर है जो नेचुरल आइसक्रीम बनाता है, तो वहाँ हमने आइसक्रीम ट्राई किए। अभी आप क्या खा रहे हो? पिस्ता। ये वाला टेस्ट अच्छा है, जो भी बेरी वाला है। महक तो बहुत अच्छी आ रही है, मसाले सब रेडी है। और कैसा चल रहा है? मस्त चल रहा है। सो गाइस, फाइनली हम घर पहुंच गए। बहुत ही बढ़िया दिन रहा, बहुत सारे हमने डेलिकेसीज ट्राई किए और घूमे फिरे, बहुत थक गए हैं अभी। आंखों में एकदम दिख रहा होगा, नींद दिख रही होगी। इट्स ऑलमोस्ट 11:45, तो बस अभी हम चेंज करके रेस्ट लेंगे। एंड ओवरऑल वीकेंड हमारा, मतलब लॉन्ग वीकेंड था ये, तो काफी लॉन्ग वीकेंड हमारा बहुत ही बढ़िया रहा। बिहू फेस्टिवल, एसमीज न्यू ईयर, फिर कल हम एक बर्थडे पार्टी पे गए थे वहाँ, और आज एक नई जगह एक्सप्लोर करी हमने जहाँ मैंने कभी विजिट नहीं किया था, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजे किए। कमेंट जरूर करिएगा कि क्या क्या अच्छा लगा, और आगे भी आप ऐसे एक्सपीरियंसेस क्या क्या देखते रहने चाहेंगे, तो प्लीज हमसे इंटरेक्ट कीजिए, हमें फीडबैक दीजिए, और हम ऐसे ही आपके सामने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हमारे लाते रहेंगे। होपफुली आप लोगों को भी हमारा ये व्लॉग पसंद आए, तो बस प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टुगेदर थिंग्स टुगेदर।